दिस इज रेखा चावला, वेलकम टू चावला कुकिंग। हाय फ्रेंड्स, आज हम मैगी से मैगी पिज्जा बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची चीजी। आप सभी ने मेरे मैगी मंचूरियन को बहुत पसंद किया और मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आप मैगी से रिलेटेड रेसिपी शेयर कीजिए। सो गाइस, आज मैं आपसे मैगी पिज्जा शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे पर्सनल पर कमेंट न करते हुए मुझे यूट्यूब पर कमेंट करें, क्योंकि पर्सनल पर सब तक पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मैगी पिज्जा बनाना। फ्रेंड्स, आपको टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपीज बट सिंपल और इंस्टेंट मेथड से बनानी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे एक बार प्रेस करें और एक बार बेल को भी प्रेस करके ऑल को प्रेस करें, इससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। शुरू करते हैं मैगी पिज्जा बनाना। एक पैन में हम 2 कप पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पैकेट्स मैगी नूडल्स के लिए हैं। आप यहाँ पर आटा मैगी भी ले सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहो तो हाथ से भी क्रश कर सकते हो इन्हें। आप क्वांटिटी को कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, क्रश हो चुकी है मैगी, इसे डाल देते हैं। और हमें इस मैगी को 80% तक बॉईल करना है। हमें पूरा कुक नहीं करना है जैसे हम रेगुलर मैगी तैयार करते हैं। 80% अभी कुक करना है, 20% जब हमारी पिज्जा तैयार करेंगे तब हम इसे कुक करेंगे। अब हम उसमें 1 पैकेट टेस्ट मेकर का डाल देते हैं। इसे हाई फ्लेम पर ही हमें कुक करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें मैगी कुक करने में। सी, मैगी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और उसे एक बोल में निकाल लेते हैं। थोड़ा उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक मैगी थोड़ी ठंडी होगी, हम थोड़ी सी बाकी की प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची लिए हैं, इन्हें रफली चॉप कर लेते हैं। हमें इन्हें चॉपर में फाइन चॉप करना है, इसलिए अभी मोटा मोटा कट कर दीजिए इस तरह से पहले। आप यहाँ पर अदर वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। इसका सीड्स निकाल दीजिए इस तरह से, इसे भी रफली चॉप कर लेते हैं। और इन दोनों को हम चॉपर में फाइन चॉप करेंगे। आप यहाँ पर कैरेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे बहुत बारीक हाथ से कट कर दीजिए। अभी इसका जो एक्सेस वाटर है वो हम निकाल लेते हैं। आप स्पून से प्रेस करके इसका एक्सेस वाटर निकाल लीजिए, देखिए इस तरह से। अब हम इन वेजीज को, ये जो मैगी ठंडा हो चुका है, इसके अंदर डाल देते हैं। आप पत्ता गोभी शिमला मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। चलिए पिज्जा टॉपिंग की भी तैयारी शुरू कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को स्क्वायर पीस में कट कर लिया है, मीडियम पीसेस में कट किया है। इनके भी सीड्स मैंने रिमूव कर लिए हैं। पनीर को भी स्क्वायर पीसेस में कट कर दिया है। थोड़े से अनियन को और टमाटर का भी सीड निकाल के उन्हें भी स्क्वायर कट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, सम ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ओरिगनो और चिली फ्लेक्स डालकर इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं पिज्जा की। आप यहाँ पर चाहो तो बेल पेपर्स भी यूज कर सकते हैं, ऑलिव्स, कोई भी आप वेजेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमने जो ये मैगी में वेजिटेबल्स ऐड की थी उसे मिक्स कर दिया है। अब हम उसमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रहे हैं। साथ में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और मैंने 1 पैकेट यहाँ पर मैगी मसाला यूज किया है। आप जो मैगी के अंदर का टेस्ट मेकर है उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। हमारे 2 बच चुके थे वो टेस्ट मेकर, आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पर
होममेड सेजवान सॉस यूज कर रही हूँ। होममेड सेजवान सॉस घर पर कैसे तैयार करते हैं इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक चम्मच में सेजवान सॉस यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट सेजवान सॉस डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मैगी पिज्जा का। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक पैन ले लेते हैं, हेवी बॉटम पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पहले गर्म कर लेते हैं पैन को। अब ये जो हमने मैगी डव बनाया है उसे डालकर अच्छे से इवनली पूरा प्रेस कर लेते हैं, राउंड एक पिज्जा टाइप बना देते हैं इसे। स्पेचुला की हेल्प से इस तरह से आप पूरा प्रेस करके एक राउंड शेप दे दीजिए। इस बेस की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आप इसे थिक भी रख सकते हैं, थिन भी रख सकते हैं, मैंने इस बेस को मीडियम रखा है। देखिए राउंड हो चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं। पांच मिनट हो चुके हैं, अब इसे फ्लिप करना है। ऊपर प्लेट रख दीजिए और पैन को फ्लिप कर दीजिए, आप टर्नर से भी इसे कर सकते हैं। सी ये इजी निकल कर आ चुका है, ये टूटा भी नहीं। अब हम एक पैन में फिर से ऑयल या बटर डाल देते हैं और बेस को ट्रांसफर कर देते हैं। अब नीचे से बेस को अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पकाएंगे। अब पिज्जा असेंबल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैंने होममेड सेजवान सॉस को स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं, बट फिर से बोल रही हूँ सेजवान सॉस से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पिज्जा का। इवनली से स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग रखते हैं, आप टॉपिंग अपनी चॉइस की ले सकते हैं। अच्छे से टॉपिंग को भी स्प्रेड कर देते हैं। अब मैंने मोजरेला चीज और एक चीज क्यूब ले लिया है, चीज क्यूब को भी ग्रेट कर लेती हूँ और इसे हम पिज्जा के ऊपर डाल देते हैं। बहुत सारा डालते हैं क्योंकि इससे जो हमारी मैगी पिज्जा है बहुत ही बढ़िया डिलीशियस यम्मी लगेगी। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने के लिए रख देते हैं। सात मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ लुक एट दिस, बहुत ही चीजी यम्मी मैगी पिज्जा तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा उसके ऊपर ओरिगनो और चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। लेट्स सी, हमारी मैगी पिज्जा बनकर रेडी हो चुकी है, तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से इसे कट कर देते हैं। फ्रेंड्स मुझे अमूल चीज क्यूब ज्यादा पसंद है इसीलिए मैंने उसका यूज किया है, आप यहाँ पर काफी सारा मोजरेला चीज का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मैगी पिज्जा का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे काफी सारे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय, एंजॉय माय मैगी पिज्जा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।